कहते हैं कि इस दुनिया में, इस संसार में कोई व्यक्ति वही देता है जो उसके पास होता है। अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में सफलता, प्रसिद्धि, धन आपके पीछे आए, तो अपने आप को इतना काबिल बनाओ, इन चीजों के पीछे भागने के बजाय अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि ये चीजें आपके पीछे खुद ही आने लगे। चलिए एक कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। ये कहानी गौतम बुद्ध के जीवन की है। अंकमाल नाम का एक युवक भगवान के सामने उपस्थित हुआ और बोला, भगवान मेरी इच्छा है कि संसार की कुछ सेवा करूं। आप मुझे जहां भेजना चाहते हैं भेज दें, ताकि मैं लोगों को धर्म का रास्ता दिखाऊं। बुद्ध ऐसे और बोले, तात, संसार को कुछ देने के लिए पहले खुद तो कुछ पास होना जरूरी है। जाओ पहले अपनी योग्यता बढ़ाओ और फिर संसार की भी सेवा कर लेना। अब अंकमाल वहां से चल पड़ा और कलाओं के अभ्यास में जुड़ गया। बाढ़ बनाने से लेकर चित्रकला तक, मल्ल विद्या से लेकर मल्लाहकारी तक, उसने जितनी भी कलाएं हो सकती थी उन सब का 10 वर्षों तक कठोर अभ्यास किया। अंकमाल की कला विशारद के रूप में सारे देश में ख्याति फैल गई और अपनी प्रशंसा से अभिभूत होकर अंकमाल अभिमान पूर्वक लौटा और तथागत की सेवा में जाकर उपस्थित हुआ। अपनी योग्यता का बखान करते हुए उसने कहा, भगवान अब मैं संसार के प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ सिखा सकता हूँ, क्योंकि मैंने 24 कलाएं सीखी हैं और उन सब का मैं पंडित हूँ। अब भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अभी तो तुम कलाएं सीख कर आए हो, परीक्षा तो दे दो, तब उस पर अभिमान करना। अगले दिन भगवान बुद्ध एक साधारण नागरिक का वेश बदलकर अंकमाल के पास गए और उसे अकारण खरी खोटी सुनाने लगे। अब अंकमाल क्रुद्ध होकर मारने दौड़ा तो बुद्ध वहां से मुस्कुराते हुए वापस लौट पड़े। उस दिन मध्याह्न 2 बौद्ध श्रमण वेश बदलकर अंकमाल के समीप जाकर बोले, आचार्य आपको सम्राट हर्ष ने मंत्र पद देने की इच्छा की है, क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? अब अंकमाल को लोभ आ गया, उसने कहा, हाँ हाँ अभी चलो। दोनों श्रमण भी चुपचाप उसके साथ चल दिए मुस्कुराते हुए। अब अंकमाल हैरान था कि अचानक से ऐसा क्या हो गया, क्या उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई कि राजा भी उसे बुला रहा है। अब थोड़ी देर पीछे भगवान बुद्ध पुनः उपस्थित हुए, उनके साथ आम्रपाली थी। अंकमाल जितनी देर तथागत वहां रहे आम्रपाली की ही ओर बार बार देखता रहा। बात समाप्त कर तथागत आश्रम लौटे। सायंकाल अंकमाल को बुद्ध देव ने पुनः बुलाया और पूछा, वत्स क्या तुमने क्रोध, काम और लोक पर विजय की विद्या भी सीखी है? अंकमाल को दिन भर की सब घटनाएं याद हो आई। उसने लज्जा से अपना सर झुका लिया और उस दिन से आत्म विजय की साधना में संलग्न हो गया। तो दोस्तों याद रखिए, जितना सरल और शांत आप रहेंगे उतना ही धैर्य और सहनशीलता आप में बढ़ेगी। सामाजिक कार्यों को करने में आसानी रहेगी। यदि आप चाहते हैं कि जिंदगी में आप एक अच्छे इंसान के रूप में आगे बढ़ें, तो क्रोध, ईर्ष्या और लोभ का त्याग कर दें। यही गुण आपको बहुत ज्यादा उन्नति और तरक्की दे देगा।